दोस्तों वापस से आ गए हैं एक और हॉरर गेम प्ले लेकर के, और आज हम लोग खेलने वाले हैं स्केरी टीचर का एक न्यू चैप्टर। गुप्ता जी फिर से मजा आने वाला है मिस्टी को परेशान करके। हाँ मिश्रा जी, तो गुप्ता जी इस लेवल में क्या करना होगा? अरे मिश्रा जी देखो, आज मिस्टी बॉक्सिंग करने जा रही है तो हमें इसे हराना होगा। तो गुप्ता जी इसको हराएंगे कैसे? अरे मिश्रा जी, हम दोनों को नहीं हराना है, इसके साथ जो खेल रहा है ना उसका नाम फ्रांसिस है, उसी के हाथों से इसे हराना होगा हमें। ये कैसे होगा गुप्ता जी? अरे मिश्रा जी तुम बस देखते जाओ, चलो गेम शुरू करते हैं। गुप्ता जी हमें क्या करना होगा, आपने तो बताया ही नहीं। अरे मिश्रा जी, हमें फ्रांसिस के फूड में डायनामाइट डालना होगा, जिसे वो खाकर बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। क्या गुप्ता जी वो डायनामाइट खाएगा? हाँ मिश्रा जी, उसे खाते ही उसके मुंह से आग निकलेगी, फिर देखना मिस्टी का हाल। तो गुप्ता जी ये डायनामाइट कहाँ मिलेगा? अरे मिश्रा जी, उससे पहले कुछ सामान लेना है हमें। क्या गुप्ता जी? ये पोछा लगाने वाला मिश्रा जी। पर गुप्ता जी इसका काम क्या आएगा? अरे मिश्रा जी, मिस्टी ने वहाँ पानी गिरा के रखा हुआ है जहाँ डायनामाइट है, भागो। मिस्टी हमारा पीछा कर रही है। हाँ गुप्ता जी, मिस्टी इधर ही हमें खोज रही है, इससे बच के निकलना होगा मिश्रा जी, चलो इधर से आओ। हमें एक क्रोबार चाहिए मिश्रा जी, ये रहा। गुप्ता जी क्रोबार का क्या करेंगे? अरे सब पता चलेगा, आओ इधर तुम। हमें नीचे की ओर जाना है मिश्रा जी, इस दरवाजे के अंदर, यहीं पर डायनामाइट है एक बॉक्स में। ये देखो यहाँ पानी गिरा हुआ है, इसे साफ करना है। चलो ये साफ हो गया मिश्रा जी, अब हम आगे जा सकते हैं, इसे खोल दो। ये देखो मिश्रा जी, यहाँ से डायनामाइट मिल गया हमें। तो गुप्ता जी अब क्या करेंगे, इसे ऐसे ही खिला देंगे क्या? अरे नहीं मिश्रा जी, इसे फूड के अंदर डालेंगे, तभी तो वो खाएगा ना। चलो मिश्रा जी, मिस्टी टीवी देख रही है, अभी सही रहेगा, सारा काम कर लेंगे। ये रहा वो खाना, इसके अंदर डाल दो। चलो अब ये खाना जैसे ही वो खाएगा ना फ्रांसिस, और उसके पास इतना ताकत आ जाएगा, उसके मुंह से आग निकलेगी आग, तब तो गुप्ता जी मजा आ जाएगा उन दोनों का बॉक्सिंग देख के। हाँ मिश्रा जी, ये देखो मिश्रा जी गेम शुरू हो गया, फ्रांसिस ने खा लिया है वो खाना, अब देखना डायनामाइट का कमाल। गुप्ता जी ये तो मार खा रहा है। अरे मिश्रा जी रुको, अभी देखो तो अभी मजा। ये क्या गुप्ता जी, ये तो जल के राख बन गया मिस्टी। हाँ मिश्रा जी, चलो अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। गुप्ता जी इस लेवल में क्या करना होगा? मिश्रा जी यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, और मिस्टी ने एक फोटो बनाया है, उसे हमें खराब करना है। देखो ये अपनी तस्वीर बनाई है इसमें। My masterpiece. I'll surely win the contest now. So what if I didn't paint it? No one needs to know that. देखो मिश्रा जी ये कितनी खुश लग रही है, क्योंकि इसका पेंटिंग बहुत अच्छा बना है, इसे हमें खराब करना होगा, आओ। तो गुप्ता जी इसकी पेंटिंग कैसे खराब करेंगे? अरे मिश्रा जी मैं बताता हूँ, पहले चलो घर के अंदर। हमें एक कैंची चाहिए, एक टेप चाहिए और एक ग्लू चाहिए। बस गुप्ता जी तीन चीज चाहिए। अरे नहीं मिश्रा जी, एक और चीज चाहिए, एक मीट का टुकड़ा भी चाहिए। ये देखो यहाँ एक कैंची मिल गया मुझे। तो अब हमें ग्लू खोजना होगा ना? हाँ मिश्रा जी चलो ग्लू खोजते हैं। ये वाला ग्लू मत उठाना, ये वाला उठाओ। पर गुप्ता जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये कैंची और ग्लू का क्या करेंगे, उसका पेंटिंग को कैसे खराब करेंगे? अरे मिश्रा जी बस तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अभी हमें एक डॉल खोजना है, उसकी आंखें निकालनी होगी हमें, तो कैंची का काम वहीं लगेगा, उसका आंख निकाल के उस पेंटिंग में चिपका देंगे। गुप्ता जी मिस्टी ने देख लिया, भागिए।
ये देखो मिश्रा जी, यहाँ पर वो डॉल है, इसकी आंखें निकालनी है इस कैंची की मदद से। ये हो गया गुप्ता जी, अब क्या करना होगा? अब हमें एक मीट का टुकड़ा चाहिए मिश्रा जी। पर गुप्ता जी, मीट का टुकड़े का क्या करेंगे? अरे मिश्रा जी देखो, हमारे पास आंख आ गई है, उस मीट के टुकड़े से उसकी जीभ बनाएंगे। तो गुप्ता जी, ये मीट का टुकड़ा कहाँ मिलेगा? किचन में मिश्रा जी, आओ यहीं कहीं होना चाहिए कोई मीट का टुकड़ा। पर गुप्ता जी, मुझे तो दिख नहीं रहा है। फ्रीज में होगा मिश्रा जी, ये देखो मिल गया मुझे, ये रहा वो टुकड़ा। चलो अब हमें पेंटिंग की तरफ जाना है, उससे पहले तो मैं भूल ही गया, एक टेप भी तो लेना होगा हमें। अब ये टेप किस काम में आएगा गुप्ता जी? अरे मिश्रा जी, ये जो आँख और ये जीभ बनाएंगे ना, उसे चिपकाने के काम में आएगा। पर गुप्ता जी, यहाँ तो ग्लू है ना? अरे मिश्रा जी, ग्लू से आँख चिपकेगी और टेप की मदद से इस मीट का टुकड़ा को चिपकाएंगे। अब मैं समझ गया गुप्ता जी। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, देखो ये रहा ये टेप। चलिए गुप्ता जी, अब हमें उसकी पेंटिंग के पास जाना होगा। हाँ मिश्रा जी, दूसरी साइड है वो पेंटिंग, हमें दूसरी साइड जाना होगा। गुप्ता जी, कितना चलना पड़ रहा है, कहाँ पर है वो पेंटिंग? अरे मिश्रा जी, वो आगे है, अभी और चलना होगा। बस मिश्रा जी पहुंचने वाले हैं, देखो ये रहा वो पेंटिंग। चलो मिश्रा जी, सबसे पहले इसका पर्दा हटाओ। अब ये रहा वो पेंटिंग, इसके आँख में ग्लू डालना है मिश्रा जी। अब ये आँख जो है ना, यहाँ चिपका दो। गुप्ता जी, ये कितना फनी लग रहा है। अरे मिश्रा जी, अभी और फनी लगेगा, देखो ये जीभ चिपका दिए। गुप्ता जी, जीभ तो गिर गया है। हाँ मिश्रा जी, इसलिए ये टेप का काम आएगा यहाँ पर, हमें यहाँ पर जीभ के साथ टेप भी चिपकाना है। अब ये चिपक गया, अब आने दो मिष्टी को, तब देखना मजा। इसे ढक देते हैं गुप्ता जी। हाँ मिश्रा जी, चलो अब आओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर से देखेंगे। गुप्ता जी, इसका जो भी कोई पेंटिंग देखेगा वो हंस हंस के पागल हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी। गुप्ता जी, ये खरूस टीचर अभी तक क्यों नहीं आ रही है? अरे आएगी मिश्रा जी, बस अब पहुंचने ही वाली है वो। वो देखो मिश्रा जी, वो इधर ही आ रही है उस घर से। हाँ गुप्ता जी, अब मजा आएगा ना। आओ मिष्टी, और अपना पेंटिंग तो देख लो, कितना अच्छा बनाया है। You peasants, feast your eyes on my masterpiece. Ta-da! गुप्ता जी, इसका पेंटिंग तो देखिए कितना फनी लग रहा है, ये तो उसी में गिर गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्केरी टीचर का ये दो लेवल? हम फिर मिलेंगे एक नए हॉरर गेम प्ले के साथ।